सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य के प्रतिदिन के लाइव सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन योग आसन, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और ध्यान यज्ञ के द्वारा भिन्न भिन्न रोगों की चिकित्सा, इन सब के बारे में कुछ कुछ जानते हैं, जानते रहते हैं। ये विशेष सत्र हमारा होता है, साधारण सा सत्र नहीं होता। आप सबके दर्शकों की, आप सभी की भागीदारी से ये लाइव सत्र आयोजित हो रहा है और सबके लिए प्रसन्नता की बात यह है कि 100 सत्र कल पूरे हो गए और आज 101वां सत्र है। बिना किसी अवकाश के कल हमने 100 सत्र पूरे कर लिए, तो ये और शाम को उसका हमने कार्यक्रम भी चलाया था और अलग अलग विद्वानों का, विद्वत जनों का आशीर्वाद, शुभकामनाएं, आप सभी दर्शकों के भी आशीर्वाद शुभकामनाएं खूब मिली, तो उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज 101वां सत्र फिर से आज शुरू करते हैं। योग एक का एक अर्थ होता है उपाय, उपाय हो जाए, हमारे दुखों का उपाय हो जाए, हमारे कष्टों का उपाय हो जाए, हमारी समस्याओं का उपाय हो जाए, तो योग का एक अर्थ उपाय भी होता है। तो आइए मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। ओ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। कैसे योग हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। योग से मन की और तन की और मन की दोनों की दुर्बलता, दोनों की निर्बलता दूर चली जाती है और दोनों की निर्बलता भगाने का बड़ा सशक्त माध्यम है योग। योग कहने से ही तो व्यक्ति को लगता है कि कोई आसन और प्राणायाम के अलावा कुछ नहीं होगा, कोई व्यायाम होगा। नहीं, वो तो योग का, हठ योग का छोटा सा पार्ट मात्र है। बाकी योग का अर्थ है ऋषियों के अनुसार, वो है समाधि। मनुष्य की को मुक्ति प्राप्त हो जाए, वह उसके लिए एक साधन, एक विधा है योग। तो योग किसको कहते हैं? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त में आने वाली समस्त प्रकार की वृत्तियों का नितांत ही रुक जाना, ऐसी अवस्था को योग कहते हैं। महर्षि व्यास इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि योग है समाधि, योग समाधि को कहते हैं। और समाधि का मतलब होता है सभी प्रकार के दुखों से, सब प्रकार से के दुखों से निवृत्ति होकर के ईश्वर की का आनंद प्राप्त हो जाता है। और मुक्ति का मतलब छुट्टी, सारे दुखों से छूट जाना, उसको मुक्ति या मोक्ष या समाधि कहते हैं। तो इसीलिए योग का एक ठीक ठीक अर्थ भी हमें आर्ष ऋषियों के द्वारा समझना होगा, नहीं तो लोग योग को व्यायाम के रूप में समझने लगे, ऐसा नहीं है। और कई बार क्या होता है, योग यदि हम कर रहे हैं, योग मतलब आसन और प्राणायाम को यदि हम नियमित रूप से कर रहे हैं, तो उनको करते करते हम कई बार यूं समझने लगते हैं कि हमें दवाई की आवश्यकता नहीं है। हम आहार विहार को ठीक भी नहीं रखते हैं, केवल आसन प्राणायाम करके इतना निश्चिंत हो जाते हैं कि हम अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं कि कभी कोई दवाई की जरूरत नहीं है, मैं तो इसी से ठीक करूंगा। नहीं, आपातकालीन कोई बात आती है, प्राण रक्षा की, प्राणों के पर संकट आ जाता है, तो निश्चित रूप से आपको उस पैथी की तरफ जाना पड़ेगा जो आपके प्राणों की रक्षा करे, क्योंकि अभी आपको वो चीज नहीं पता जिससे आप प्राणों की रक्षा योग की विधाओं से कर लो। वर्तमान में कुछ समय पहले तक तो ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में डेवलप हुई थी योग चिकित्सा, अब धीरे धीरे इसको पूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में भी डेवलप करने के लिए विद्वान प्रयासरत हैं।
तो आप सबको मैं बता दूं कि कभी भी आपातकालीन और संकट काल आ जाए तो आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी पैथी हो जो आपके प्राणों का जो है संकट दूर कर देवे, उसको अपनाना चाहिए। बाकी प्रतिदिन वैसी दिनचर्या आप अच्छी रखेंगे, कुछ आसन और प्राणायाम करते रहेंगे, आहार विहार में अच्छा बने रहेंगे, मानसिक रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, तो आपको ऐसी आपातकालीन की संकट की स्थिति कभी आएगी नहीं, तो आपको कहीं और भागना ही नहीं पड़ेगा। तो आज आइए थोड़ा सा आसनों के द्वारा, सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ऐसे बैठ करके पैरों के सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं। श्वास पूरा भर के पंजों को आगे खींचें। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, निर्मल मन और निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार, योगी बनो, पवित्र बनो। धैर्यम यस्य पिता, क्षमा च जननी, शांतिश्चिरं गेहिनी, सत्यम मित्रमिदं, दया च भगिनी, भ्राता मनः संयम, शय्या भूमि तलम, दिशोपि वसनम, ज्ञानामृतम भोजनम। एक पैर आगे एक पैर पीछे, योगी बनो, पवित्र बनो। येते यस्य कुटुंबिनो वद सखी, कस्मात् भयम् योगिनः है। श्वास भरते छोड़ते हुए हाथों को पीछे रखे, श्वास भरते छोड़ते हुए गोल गोल घुमाएं दोनों पैरों को, एड़ियों से विपरीत दिशा से। हम पैरों से लेकर के सिर तक के समस्त सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। समस्त सूक्ष्म व्यायाम जब हम कर लेते हैं तो हमारे सभी जोड़, सभी मांसपेशियां अच्छे स्वस्थ बलवान होने लगती है। आज का शीर्षक ही है, योग से निर्बल तन और मन को मजबूत बनाएं, निर्बलता दूर करें, दुर्बलता दूर करें। कईयों के पैरों में निर्बलता है, पैरों में, तो पैरों से ही हम निर्बलता को दूर बनाना चाह रहे हैं। बाइटे बहुत आते हैं, बहुत समस्या आ जाती है। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो बाइटे नहीं आएंगे, और एक्यूप्रेशर का ये बिंदु दबा देंगे ना तो भी नहीं आएंगे। ये बिंदु कौन सा है, छोटी उंगली, छोड़ दो, एक और ये दो, इन दो उंगलियों को आप 20-25 बार दबा दो। जिनके बाइटे आने की समस्या है, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, वो नहीं आएगी, आप पक्की बात मान के चलना। 10-15 दिन कर लेना ऐसा, केवल 10-15 दिन बस, हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे टांगों में जिनके बाइटे आते हैं, पैरों में आते हैं, जंघाओं में आते हैं, घुटनों के आगे पीछे आसपास में आ जाते हैं, तो आपको पहला ये छोटी उंगली छोड़ दो और ये दो उंगलियां। अब कैसे दबाना है थोड़ा सा देख लेते हैं, और पास में आकर ये देख लेते हैं। ये इसको प्रेशर देना आप, हाँ, दीप्ति जी, गौतम जी, सभी लाइव दर्शकों का, ऋतु जी, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रसन्न मन रखेंगे तो एक एक चीज अच्छी हो काम करेगी। ये एक दबाएं, थोड़ा 2-3 सेकंड के लिए रुकें, फिर वापस ऐसे चलते रहें। ये दोनों को चलें बारी बारी से, 2-2, 4-4 बार इसको दबा दें, 2-2, 4-4 बार इसको दबा दें, दोनों तरफ से, यानी कि दूसरे पैर से भी। लगातार चलें बिना रुके, बिना रुके चलते रहें। बिना रुके मतलब 20-25 बार जब तक आप दबाएंगे तब जाकर के इसका कुछ असर होगा। और ये 10-15 दिन कर लेना, और सूक्ष्म व्यायाम करना, जो सूक्ष्म व्यायाम आज आपको बता रहे हैं वो करना। तो उस सूक्ष्म व्यायाम से पैरों की नसनाड़ियां इतनी अच्छी मजबूत होती हैं तो आपको कभी भी बाइटों की समस्या नहीं आएगी। फिर चलते हैं घुटनों की बात करने के लिए। घुटनों को टाइट करके आपको खींचना है, अच्छा खासा टाइट कर लेना और फिर खींचना अच्छे ढंग से। कैसे,
श्वास पूरा भरे, खूब टाइट करके मैंने जमीन से लगा रखा, कस रखा। ये सब व्यायाम है। श्वास बाहर छोड़ करके ढीला छोड़ दिया, फिर से निर्बल तन और निर्बल मन को दूर, निर्बलता उनकी दूर भगाकर निर्बल तन और निर्बल मन को मजबूत बनाए। और यदि नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपने इतने जीवन में कुछ भी नहीं किया। आज इतनी उम्र के बाद भी हमारे मन में कॉन्फिडेंस लेवल हमारा नहीं है, हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, हम 10 घंटे काम नहीं कर सकते, कोई 2-5 घंटे में, 7-8 घंटे में थक जाते हैं, फिर चलते हैं ऊपर के जोड़ पर। श्वास बाहर होगा और ऐसे घुटने को लगाएंगे और दबा के रखेंगे। आज हम गोरक्षासन को सीखेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए गोरक्षासन बड़ा अच्छा है, एक वीरासन बहुत अच्छा है। महर्षि घेरंड ने 32 आसनों की चर्चा की। श्वास पूरा भर के इसको जमीन पर लगाएं। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, श्वास फिर से बाहर, इसको अपने छाती से वक्षस्थल से लगाएं। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंगम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा चोत्तान कूर्मकम उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुडम वृषम। पूरी शक्ति लगाएं। शलभम मकरम चोष्ट्रम भुजंगम योगमासनम द्वात्रिंशदासनान्येव मर्त्ये सिद्धि प्रदानि च। एक अभ्यास और करें, हाथों को इस प्रकार से पीछे कर लेंगे, दाएं पैर से श्वास पूरा भर के ऐसे पूरा चलाएं, ये पैरों के एंकल को ऐसा सीधा कस ले, घुटनों को और नितंब के जोड़ को और पैर को, पूरी टांग को, सबको व्यायाम मिल रहा है। ये सूक्ष्म व्यायाम है हमारी टांगों का, लोअर पार्ट का। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, उल्टा चला लेंगे ऐसे। सिंगम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा चोत्तान कूर्मकम उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुडम वृषम। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम कूलों के जोड़ तक यानी हिप जॉइंट तक पहुंच चुके, पैरों से नीचे, पैरों से ऊपर चलते चलते यहां तक पहुंच चुके, अगले अभ्यास की तरफ चल रहे हैं। अब अगला अभ्यास है हमारा भद्रासन की तरह से। श्वास पूरा भर के ऊपर, श्वास पूरा बाहर। आपको सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करना चाहिए, रोज आपको बताते हैं, कल भी बताया था, आपको सूर्य नमस्कार रोज करना ही चाहिए। आज सूक्ष्म व्यायाम के बारे में ज्यादा आज प्रकाश डाल रहे हैं आज के कार्यक्रम में, जिससे कि समस्त जितने भी जोड़ भी हैं वे भी छोटी छोटी मांसपेशियां, कहीं लिगामेंट होते हैं, कहीं कहीं कुछ होते हैं, ये सब धीरे धीरे मजबूत कैसे बने, तो उनके लिए आज का योगाभ्यास। और मन को मजबूत कैसे बनाए, मन को समझे, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को जाने। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम् अथ योगानुशासनम्। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम् वृत्ति सारूप्यम् इतरत्र।
वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। अलग अलग सूत्रों के माध्यम से 195 सूत्र पूरे योग दर्शन में चार पाद, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद के रूप में दिया। और इस सारे 195 सूत्रों में मोक्ष प्राप्त करने की विधि महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। बहुत बड़ा साइकोलॉजी है इसमें, बहुत बड़ा मनोविज्ञान भी दिया हुआ है। चित्त के ऊपर इतना कोई व्यक्ति प्रामाणिक और इतना विशेष लिख सकता है कोई व्यक्ति, तो वो ऋषि के अलावा कोई नहीं हो सकते। आप अपने चित्त के बारे में नहीं जानते, इस आत्मा के बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं जानते, परमात्मा के बारे में नहीं जानते, अपने मन के कार्य करने की शैली के बारे में नहीं जानते, और अपने इन समस्त के अलावा प्रकृति के बारे में नहीं जानते। तीन ही तत्व अनादि और अनंत हैं। त्रैत्ववाद के सिद्धांत को योग करने वाले को मानना चाहिए। ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी इनकी मृत्यु होती है। ये फूलों के जोड़ों के लिए हमने किया। अब किसी के वजन कुछ ज्यादा है, मान लीजिए पेट पर बहुत चर्बी, बहुत शेप भी बिगड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा उसको चक्की चालन जैसी कुछ क्रियाओं के द्वारा दूर कर सकते हैं। श्वास बाहर आगे आए, श्वास भरें तो पीछे ले जाए। शरीर में फुर्ती नहीं होगी ना तो कुछ भी अच्छा काम करने का मन नहीं करेगा। फुर्ती तो पैदा करनी पड़ेगी, सुबह के व्यायाम से पैदा कर सकते हैं, कुछ प्राणायामों से, कुछ आसनों से आपको करनी ही होगी। अब तो आपकी स्थिति ठीक हो गई थोड़ी सी, तो फिर पैरों में थोड़ा फासला बनाए। जिनके कमर में दर्द हो वो बहुत ज्यादा आगे ना झुके, थोड़ा सा झुके। बाकी सारे लोग इसको कर सकते हैं, कमर दर्द वाले आगे झुकने वाले करने की बजाय मरकट आसन, भुजंग आसन आदि का अभ्यास किया करें। पहले पहले कमर का दर्द ठीक करें, उसके बाद दूसरी चीजों को करना चाहिए। मरकट आसन, भुजंग आसन, शलभासन, कमर दर्द है तो कमर दर्द के आसन करें, पेट में समस्या है तो सारी चीजें करें, सिर में मस्तिष्क की समस्या है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फोबिया है, हिस्टीरिया है, तो मानसिक रोगों की चिकित्सा वाले आसन और प्राणायाम दोनों करें। पूरा पैकेज ही हो गया। थायराइड है तो थायराइड के लिए उज्जाई, सिंहासन, सर्वांग आसन, हलासन, मत्स्यासन, सुप्त वज्रासन और मिट्टी पट्टी गले पर, और उसके अलावा भी कुछ क्रियाएं हैं, पांच पांच छह छह और, तो 8 से 10 क्रियाएं थायराइड को ठीक करने वाले लोग करें। तो दो तो मुख्य रूप से है, उज्जाई और सिंहासन। उज्जाई एक प्राणायाम है, सिंहासन एक आसन है। अब इसको और फैला देंगे और पूरा ऐसे गोल घुमाकर, श्वास बाहर और आगे की तरफ जा रहे हैं और श्वास भरें पीछे की तरफ। ऐसे विपरीत दिशा से दोनों पैरों को पास में कर लेंगे। नौका चालन, अंगूठा बंद, मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर, श्वास बाहर, श्वास भरे पीछे जाए। विपरीत दिशा से जंगा खींचेंगी, प्रारंभिक लोगों की खींचने दो, दर्द करेंगी, होने दो, दो चार दिन होगा और क्या होगा, एक दो दिन होगा, घुटने मत मोड़ना। लेकिन श्वास बाहर और ठोड़ी को लगाएंगे जमीन से, दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखेंगे, जब अच्छा होने लगेगा तो ऐसे पीछे भी रख सकते हैं, पहले तो साइड में रखेंगे। श्वास बाहर, नाक को या ठोड़ी को, दोनों में से किसी को भी लगाएं, इसको धीरे धीरे करेंगे। पहले पैरों में फासला नहीं है, पैर पास में है। श्वास बाहर,
कल भी तन मन की निर्बलता को दूर करने के लिए और क्रियाएं बताएंगे। आज तो थोड़ी थोड़ी बता ही रहे हैं, कल और बताएं, परसों और बताएंगे। तो तन मन की निर्बलता को दूर करने के लिए अब दोनों को पैरों को फासला थोड़ा सा दे दिया, इसमें श्वास बाहर, जो लोग इसमें तेज कर सकते हैं वो तेज किया करें। ऐसे कर, इस तरह से करेंगे तो कुछ शरीर में हलचल होगी, जहां कमजोर भाग हैं उनका व्यायाम होगा, कमजोर भागों का सबका व्यायाम हो जाएगा और सारे मजबूत बन जाएंगे। योग का एक अर्थ मैंने कहा था, उपाय भी होता है। भगवान कृष्ण को भी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, योगेश्वर थे, योगेश्वर, उनके पास उपाय बहुत सारे थे, उपायों के ईश्वर थे। श्वास पूरा बाहर, एक हाथ सामने जमीन पर रखे, पूरा हथेली को टिका देंगे, दूसरा उसी की सीध में पीछे रखें, श्वास पूरा बाहर और पूरी तरह से पीछे घूम जाए। पूरा घुमा करके रोकें थोड़ी देर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए, फिर से श्वास बाहर। इतना महान मनुष्य होने के बाद भी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, आलसी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, धोखाधड़ी करता है, असत्य बोलता है, तो मन तो खराब होगा उसका, शरीर तो बिगड़ेगा। श्वास पूरा बाहर। दिनचर्या का ठीक ढंग से पालन नहीं करता, कभी भी कुछ भी खा लेता है, खाने की विधि नहीं पता, पूरी तरह से मन लगा कर नहीं खाता, नींद भी ठीक ढंग से नहीं आती, इसलिए उसको पेट खराब हो जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। आप सभी अनुभव करके देखना सुबह सुबह कि जिसका पेट साफ नहीं हुआ ना, वो चिड़चिड़ा सा रहेगा, अधूरापन सा रहेगा। कोई भी एक आसन लगा लें, यदि आप पद्मासन को ठीक ढंग से लगा सकते हैं तो प्रयास करें। एक पैर को ऐसे जंघा पर रख लेंगे, इस घुटने को जमीन पर रख लेंगे, दूसरे पैर को भी धीरे धीरे लाएं और धीरे से इसको दूसरी जंघा पर रख लेंगे और दूसरे घुटने को भी जमीन पर रख लेंगे, ये लग जाएगा पद्मासन, इसको कहते हैं। तो पद्मासन जिसका लग जाए, यानी कि उसका एक आसन तो लग गया। पद्मासन ध्यानात्मक आसन भी है, जब व्यक्ति ध्यान करता है तो यदि उसने आसन को ठीक ढंग से लगाना सीख लिया तो उस पूरे आसन की काल में वो उस आसन को लगा सकता है, उससे सीधा भी व्यक्ति बैठ जाता है, उसकी टांगें भी मजबूत हो जाती हैं और उसका पोस्चर सुधर जाता है। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस नाम की एक चीज होती है, जो आपके पूरे कंकालीय इस तंत्र को बताती दूर से कि इसका शरीर कैसा सीधा है, टेढ़ा है, ऐसा है, झुका हुआ है। अब देखो कितना सीधा शरीर रखा हुआ आसन में। इसी प्रकार से आपको अलग अलग आसनों का अभ्यास करते 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 योग के कुछ आसन आ जाएंगे। राइट को सीधा रखें, लेफ्ट के एड़ी को उठाएं और इस एड़ी को मलमूत्र के द्वार के ठीक बीच में एक खाली स्थान होता है जहां से सीवनी नाड़ी निकलती है, वहां पर लगा देंगे, इस एड़ी को दबा देंगे थोड़ा सा। दूसरे पैर को उठा करके इसके टकने को, एंकल को एंकल से लगाएंगे और इसके अंदर यूं फंसा भी देंगे, ये एंकल से एंकल लग गया। इस पीछे नीचे फंसे हुए पैर को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे इस तरह से, इसको कहते हैं सिद्धासन। अगर हम एड़ी हमारी आगे पीछे हो गई है तो उसको ठीक कर लिया हमने ऐसे उठ करके, तो ये यहां से पैर दिख रहा है, ये अंदर थोड़ा सा गया, टकने से टकना मैं अनुभव कर रहा हूं, दोनों मिले हुए हैं और ये एड़ी मेरी थोड़ी थोड़ी नाभि की तरफ आ रही है। इसको कोशिश करेंगे ठीक ढंग से और लग जाए तो पूरी तरह से नाभि को छू जाए या फिर पेट को थोड़ा सा छूने की स्थिति में आसपास में आ जाए, तो इसको कहते हैं सिद्धासन। सिद्धासन बहुत अच्छा आसन है,
ध्यानात्मक आसन है और हमारे ब्रह्मचर्य को मजबूत रखता है। अब हम चल रहे हैं अपर पार्ट के सूक्ष्म व्यायाम पर, कंधों के सूक्ष्म व्यायाम, कंधों की मांसपेशियों को मजबूत कैसे बनाए। कभी तो फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, कभी सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस हो रहा है, और इतनी समस्याएं छोटी छोटी होकर के फिर बड़ी तक पहुंच जाती है कि सर्वाइकल की जब बढ़ जाती है प्रॉब्लम तो चक्कर ही चक्कर आते हैं, व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। मैंने खूब माताओं बहनों को भी देखा, खूब भाइयों को भी देखा, ऑफिस में काम करने वालों के वास्तव में इतनी समस्या आ जाती है कि व्यक्ति का काम ही छूट जाता है अगर उस पर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस कभी नहीं होगी। मैंने कहा था आज के शीर्षक में कि योग से निर्बलताओं, तन और मन की निर्बलताओं को दूर करें, योग से करें। अब योग महर्षि पतंजलि जी वाला मन की निर्बलता को दूर करेगा और हठ योग तन की दुर्बलता को दूर करेगा। अथ योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते। योग का कि अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश हो जाता है और ज्ञान बढ़ता है। जब तक विवेक न प्राप्त हो जाए तब तक अविवेक ख्याते, विवेक प्राप्ति होने तक ज्ञान बढ़ता चला जाता है। आसन की सिद्धि से ततो द्वंद्व अनभिघात है। महर्षि पतंजलि जी ने इतने सटीक परिभाषाएं लिखी है, प्राणायाम की सिद्धि से क्या होता है, ब्रह्मचर्य की सिद्धि से क्या होता है, आसन की सिद्धि से क्या होता है, सब कुछ। प्रत्याहार किसको कहते हैं, धारणा किसको कहते हैं, धारणा सुयोग्यता मन ध्यानम निर्विषयम मन, सांख्य का सूत्र है, महर्षि पतंजलि का सूत्र है। वो क्या कहते हैं ध्यान के बारे में, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, वहां ज्ञान की निरंतरता एकतानता उसी को ध्यान कहते हैं। तो ऋषियों की असली परिभाषाएं पढ़नी पड़ेंगी और योग के वास्तविक स्वरूप को समझना पड़ेगा। ये कोई व्यायाम योग नहीं है, ये समझ लीजिए आप। कोई सोचता है मैं 5-7 आसन कर लेता हूं तो मैं योगी हो गया, भाई गलत फहमी में है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को जिसने नहीं जाना, भगवान श्री कृष्ण के कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग आदि को गीता के माध्यम से नहीं जाना, भीष्म पर्व जो महाभारत का है, तो फिर क्या जाना। फिर तो हठ योग के लिए तो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारी बातें कही है। वो कह रहे कि हठ योग की कुछ क्रियाएं तो ऐसी हैं जो बाजीगरी है, बाजीगरी का खेल है। जैसे व्यक्ति इन्हीं को करता रहता है, सोचता है मैं बड़ा योगी हो गया, मेरे को जल नेति सूत्र नेति और मेरे को क्या आ गई, वस्त्र धोती आ गई। और वस्त्र धोती आने के बाद ये 5-7 और क्रियाएं आने के बाद अपने नाम के आगे योगी भी लगा देता है, आगे या पीछे लगा देता है। वो सोचता है वैसे लोग कहें नहीं कहें मेरे नाम के आगे जुड़ा हुआ ही है ना उपनाम की तरह से, तो वैसे योगी निकल जाएगा। ये क्या बात हुई, योगी भी बुलवा बुलवा करके बोलोगे ऐसे काम करो। योग के क्षेत्र में बहुत विद्वान है, हमारे पूज्य आचार्य सत्यजीत जी हमारे राष्ट्र में रहते हैं, योगी हैं, कभी जाकर के मिलो, ऐसे उनके द्वारा लगाए हुए साधना शिविरों में जाओ। वो लगाते हैं साल भर में 1-2-3-3 शिविर लगते हैं, 2-2 शिविर लगते हैं। पूज्य आचार्य सोमदेव जी, स्वामी विश्वंग जी, इतने सुंदर इतने बड़े विद्वान हैं, योगी हैं। योगी व्यक्ति के सानिध्य में रहना चाहिए, योगी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, उनके द्वारा आयोजित शिविरों में जाना चाहिए। बहुत सारे विद्वान और भी हैं, पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, आचार्य आशीष जी, बहुत सारे विद्वान हैं इस भारतवर्ष में अभी भी। हाँ ये बात ठीक है, अच्छे विद्वान उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, इतने ही हैं, लेकिन हैं अभी जिन जिन के मैंने नाम बताए ये श्रेष्ठ विद्वान है आर्य जगत के, भारतीय समाज के ये बड़े अच्छे विद्वान है, योग के वास्तविक मर्म को जानते हैं। ये गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम हमने किए, पहला पहला आगे और पीछे का,
धीरे धीरे करना जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस, दाएं और बाएं का कान को कंधे से लगा लें, तीसरा गर्दन को ही घुमा करके ले जाए श्वास बाहर। कुछ लोग कहते हैं योग की गहरी विधाओं को कैसे सीखे, तो वैदिक धर्म का कोई गुरु आपको मिल जाए तो उनसे आप योग की गहरी विधा को सीख सकते हैं, अष्टांग योग को सीख सकते हैं। उन्हीं गुरुओं के मैंने, उन्हीं आचार्यों के, उन्हीं श्रेष्ठ आचार्यों के मैंने आपको आज नाम भी बताए, कहाँ रहते हैं, कैसे जाया जा सकता है, जो जानना चाहे वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरा निर्देश, पूरा गाइडेंस कर दूंगा कि कैसे कैसे योग के स्तर को बढ़ाया जाए, अपने स्तर को बढ़ाया जाए। ये तो आसन प्राणायाम, ये तो नियमित रूप से व्यायाम के रूप में आपको करना ही है, दिनचर्या का हिस्सा बना के। फिर योग को आगे भी तो जानना है, कोई जिंदगी भर इसी पर थोड़ी रहना है। तो आगे जानना है तो आपको अष्टांग योग का, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को जानना पड़ेगा, नहीं तो आप अधूरे ही रह जाएंगे। हमने सूक्ष्म व्यायाम के रूप में अलग अलग क्रियाओं को कर रहे हैं, किया भी और कर भी रहे। श्वास पूरा बाहर, श्वास भर के वापस, श्वास पूरा बाहर। आज का यह सत्र थोड़ा विलंब से हमने प्रारंभ किया, 7 बजे के लगभग किया, जिससे कि और भी लोग इसमें से जुड़ जाएं, क्योंकि काफी सारे लोग आज भी देर से उठते हैं। तो मैं समझता हूँ आज काफी सारे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, लाइव में भी बने हुए हैं। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है, ये आपका, ये ऑफिस का स्ट्रेस बहुतों को है, लिखते रहते हैं, राइटर्स हैं, या फिर कंप्यूटर चलाते रहते हैं, हाँ टेबल पर बैठे रहते हैं, लगातार एक ही पोस्टर में बैठे रहते हैं। ये करें, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम है, कस लेवे शरीर की इन भुजाओं को, इन पंजों को, इन हथेलियों को, ऐसा कसें कि जैसे कोई लोहे के बॉल को पकड़ रहे, और श्वास भरते हुए पूरा बंद ना करें, यहां तक लाए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस खोल ले। वास्तविक आचार्यों और गुरुओं को, जो ओरिजिनल योग के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। तो योग का ये तो आसन और प्राणायाम तो आपको करने ही है प्रतिदिन, ये नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, और फिर बीमार व्यक्ति तो कहीं भी भटक जाता है। पूरा खोलिए ताकत के साथ, कौनिया सीधी, अंगूठा एक बार अंदर होगा और एक बार बाहर होगा, ठीक है। तो पूरी ताकत के साथ आपको खोलना भी है, पूरी ताकत के साथ बंद भी करना है। यहां यहां की सारी मांसपेशियों का व्यायाम होगा, भुजाएं थकेंगी नहीं, कंधे थकेंगे नहीं, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना तो शक्ति बढ़ गई, और क्या। ये घुमा दिया ऐसे गोल गोल, अंगूठा अंदर रख के यूं घुमा दिया है, अलग अलग भी रख ली, या फिर आप इनको जोड़ करके यूं घुमाएं। छोटे छोटे व्यायाम है अपर पार्ट के, इनको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, इनको माइक्रो लेवल की एक्सरसाइज कहते हैं। ऐसे चलना चाहिए, कंधों के हमने किए, हमने ऐसा वाला भी किया, हमने इसको गोल गोल भी घुमाया, इस तरह से। ये सारी चीजें आप छोटी 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 जितनी याद आ रही है वो करें, और फिर सिर तक पहुंच जाए। हम पैरों के अंगूठों से शुरू हुए थे और अब सिर तक पहुंच गए, कंधों से होते हुए नितंबों, पहले घुटनों तक पहुंचे, फिर नितंबों तक पहुंचे, फिर ट्रंक मूवमेंट तक पहुंचे, यहाँ भी गोल घुमाया हमने, फिर हम वक्षस्थल तक पहुंचे, यहाँ के सूक्ष्म व्यायाम किए, और फिर उसके बाद हम कंधों तक, फिर गर्दन तक, और फिर सिर तक। यदि इतना भी अभी भी बाकी है, कार्डियक एक एक्सरसाइज जोड़ना चाहते हैं तो कार्डियक एक्सरसाइज को जोड़ लें और अंगूठा ऐसे बंद कर लें। योग को योगा कहना छोड़ें, योग तो योग है, इसका कोई अंग्रेजी नाम नहीं है। अंग्रेज लोग बोलते हैं वो आप अलग बात, आप क्यों बोलते हैं। श्वास पूरा अंदर भरें,
कृष्ण को कृष्णा, राम को रामा क्यों कहते हैं? हिंदी में जितना सुंदर नाम है उतना अंग्रेजी में थोड़ी हो सकता है। पूरा आगे तक ले जाएं और थोड़ी देर रोक के इसको चिपका के रखें, ऐसे खोलना नहीं है। श्वास पूरा अंदर भरा, अंदर ही रोका। श्वास छोड़ते हुए वापस ले आए। फिर से एक बार और करें। प्रकृति की गोद में योग, उद्यान में, पर्वत पर, सरोवर के किनारे, सागर में, सब जगह योग ही योग, योग ही योग। वहां पर जाएं तो आप व्यर्थ में घूमने में समय बिताए, थोड़ा सा बिता लें कोई बात नहीं, पूरा समय खराब ना करें। यदि सुबह सुबह आप ऐसी प्राकृतिक स्थल पर पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा प्राणायाम, ध्यान ऐसा करने का प्रयास करें। श्वास पूरा भर के, इसमें वक्षस्थल का एक और भी व्यायाम है, वो क्या है, ये पंजों का इंटरलॉक है ना, ये आपको करके ऐसे पीछे रख लेना चाहिए। और श्वास पूरा भर के, पूरा भार आपको पीछे रखना, पीछे डालना है, पीछे कितना, कमर से ज्यादा दूरी पर नहीं। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए, इसको 2-3 बार कर लिया करें। और अब सिर तक पहुंचेंगे, श्वास पूरा भरें, दोनों हथेलियों को ऐसे इंटरलॉक करके सिर के पीछे लगा, श्वास पूरा भर लेंगे, अंदर रोक लेंगे और इन हथेलियों से प्रेशर देंगे सिर की तरफ, सिर से प्रेशर देंगे हथेलियों की तरफ और श्वास अंदर रोक के रखेंगे, वाइब्रेशन फील करेंगे, कंपन को अनुभव करें, तनाव को दूर कर देगा ये व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम है अपर पार्ट का। श्वास बाहर छोड़कर हाथों को ढीला छोड़ देंगे, अब इतने सारे आज आपको 25-30 चीजें बताई, इसमें से 8-10 चीजें तो रोज करनी है सूक्ष्म व्यायाम, लोअर पार्ट के 2-4 और 4-5 जो है ऊपर अपर पार्ट के। जिनकी समस्या हो धीरे धीरे करना, जिनकी समस्या नहीं है मध्यम गति से करना, तेज तो नहीं करनी चाहिए, तेज से चंचलता बढ़ जाती है। तेज तो दंड बैठके कर लिया कर, दंड बैठके जो करता है वो मजबूत रहता है। बस किसको करनी चाहिए किसको नहीं वो बातें हैं, लेकिन लगभग 90% लोग कर सकते हैं। जिनके शरीर में थोड़ा ऊर्जा का स्तर अच्छा लग रहा है तो अपनी क्षमता के अनुसार, आयु के अनुसार दंड बैठकें कर सकते हैं, लेकिन निर्देशन में करना चाहिए कि विशेषज्ञ से राय सलाह लेकर के कि शुरुआत में 2-4 दंड बैठकों से शुरू करना चाहिए। श्वास पूरा भरे, अंदर रोके, दबाव देंगे हाथ को सिर की तरफ, सिर को हाथ की तरफ, श्वास बाहर छोड़ देंगे, ऐसे ही दूसरी ओर भी। योग से पवित्र जीवन, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, अभी भी आलस भागा नहीं है तो 2 क्रियाएं और कर ले। वैसे तो बहुत जल्दी भाग जाता है 2-4 से। श्वास पूरा भर के ऐसे ऊपर तक ले जाए, खींचे, श्वास अंदर रोक कर रखे, शरीर ऊपर की ओर खींचे, श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे वापस ले आए। इस तरह से छोटी छोटी क्रियाएं एक्टिव करने के लिए। दूसरी क्रिया बता रहा हूं, ये कान है, थोड़ा और पास में आकर बताता हूं जिससे कि थोड़ा आपको समझ में भी आने लगे। हमारे आदरणीय योग शिक्षक भाई विश्वास जी पारिक साहब आपके इस एक योग सत्र को लेने आए थे, उसमें आपको बताया भी था कौन सी, ब्रेन पावर एक्सरसाइज, कानों की इन पिन्नीस को ऐसे आपको खींचना है, ऐसे अंगूठा पीछे लगा करके और आगे से
ये पूरे विश्व भर में ब्रेन पावर एक्सरसाइज के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपको खींचनी चाहिए, रगड़ करके, थोड़ा सा रगड़ें और खींचें तो खींचे, अलर्ट हो जाएंगे। स्कूल में भी तो बच्चों को ऐसे ही कान पकड़वाए जाते थे पहले कि विद्यार्थी अलर्ट हो जाता था। योगी व्यक्ति अगर आलसी है तो कैसे ध्यान लगाएगा, कैसे धारणा, कैसे समाधि, कैसे प्राणायाम करेगा? तो पहले वो थोड़ा एक्टिव हो जाए। ये छोटी छोटी क्रियाएं आपको एक्टिव कर देंगी, आसन प्राणायाम से आपके शरीर को की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी। ऐसे 5-10 बार ऐसे खींच लिया करें, और अच्छे ढंग से अगर आप खींच सकते हैं, गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, लंबे नहीं होंगे, खींचेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, चिंता मत करो। आप कहीं सोचो कि ये लटक जाएंगे, नहीं लटकेंगे। ऐसे ऐसे ही इसको पीछे की तरफ, इस वाले भाग को, पूरा कानों को, बड़े नहीं होंगे, चिंता मत करो, 4-5 बार, 5-6 बार ऐसे ऊपर से भी। कानों में एक्यूप्रेशर के कई बिंदु होते हैं, एक्यूप्रेशर के बिंदु कई कानों में भी होते हैं, तो ये सारे दब जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कितने सारे दब जाते हैं। जिनके छींकों की समस्या बहुत ज्यादा है, नहाने के बाद छींके बहुत ज्यादा आती हैं, वो इस बिंदु को दबा लिया करें। 15 बार प्रतिदिन दबाना है बस, इसके बाद कुछ नहीं दबाना। एक दिन में केवल 15 बार श्वास पूरा भरे और अंदर की तरफ इसको दबाए। प्राणायाम करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्राणायाम करेंगे, ये एक बिंदु बताया आपको, छींकों की जितनी भी समस्याएं हैं लोगों को, सुबह उठने के बाद भी छींकें आती है और नहाने के बाद भी आती है, तो ये छींकों की समस्या समाप्त हो जाएगी। बार बार छींक आ करके व्यक्ति में चिड़चिड़ापन सा आने लगता है, इतनी छींकें आती है, कुछ थोड़ी सी एलर्जी हो जाए तो छींकें आती है। सूर्य के प्राकट्य में, सूर्य की साक्षी में, उसके प्रत्यक्ष में प्राणायाम को कर रहे हैं। भस्त्रिका, श्वास पूरा भर के भरते हुए हाथों को ऐसे चौड़ाई में फैला देंगे, भुजाओं को फैलाए, लंबा श्वास भरे। यदि सूर्य की ओर मुख आपका है तो बहुत अच्छी बात है, ओजस्विता, तेजस्विता बढ़ेगी। प्राणायाम के दौरान जिनके स्किन डिजीज है, उन लोगों को सूर्य की ओर मुख करके धूप में बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए। नीम का लेप, नीम के पत्तों का लेप, कायाकल्प तेल या नीम का तेल, वो लगा करके सुबह सुबह की धूप में, जब 1 घंटा 1 घंटा सुबह अच्छी धूप निकलती है, बैठने योग्य होती है, वो उस धूप में बैठ करके प्राणायाम करें, जल्दी ठीक हो जाएंगे सारे स्किन डिसऑर्डर। श्वास भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5 श्वास छोड़ते हुए आ जाए। ये प्रारंभिक लोगों के लिए, जिनसे प्राणायाम हो ही नहीं पा रहा तो कैसे करें, तो ये सारे तरीके हैं। फिर हाथ को ऐसे रख, 1, थोड़ा श्वास भरे, फिर थोड़ा भरे, 2, 3, 4, 5 और 1 की गिनती में पूरा बाहर धीरे धीरे निकाल देंगे। 1, इसी प्रकार से ये भी भस्त्रिका प्राणायाम को कर रहे हैं, और ये तरीके से ऐसे कर रहे हैं कि आसानी से बूढ़े, बीमार, कमजोर लोगों से भी होने लगता है। कई बार हमने देखा है कि कमजोर लोग या ज्यादा बीमार लोग, वो कहते हैं हमसे प्राणायाम होता ही नहीं, हम कैसे करें। तो भस्त्रिका नाम का यदि प्राणायाम है तो उसको आप इस प्रकार से गिनती के साथ करें, हाथों के सहारे के साथ करें, या फिर हाथों को ऊपर ले जाएं श्वास भरते हुए, और हाथों को नीचे ले आएं श्वास बाहर छोड़ते हुए। छोटे छोटे से तरीके आपकी मदद करेंगे। फिर एक शोधन की क्रिया है, हठ योग में बताई, शुद्धि की क्रिया, उसका नाम है कपाल भाती। तो कपाल भाती को आपका किया करें, प्रतिदिन किया करें। सावधानियां, विधि सब आपको प्रत्येक कई कक्षाओं में आपको बता चुके हैं, कल भी बताई थी। हर बार वेग पूर्वक दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें, आंखें बंद, चित्त शांत, एक मुद्रा किसी को लगा दे। यदि वायु बड़ी हुई है तो, मोटापा बड़ा हुआ है तो पृथ्वी मुद्रा, और ज्यादा
बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है फैट, आपको जल्दी रिड्यूस करना है, तो सूर्य मुद्रा को लगा करके 16 मिनट तक प्राणायाम कंटिन्यू करें, या 16 मिनट तो लगातार आपको इसको लगा के रखना चाहिए सूर्य मुद्रा। ये तीसरी वाली उंगली अंगूठे की जड़ में लगा दें सूर्य मुद्रा। ऐसे कपाल भाती करें, 30-30 का स्ट्रोक लगा देते हैं दो बार, 1, 2, 3। श्वास पूरा बाहर फेंक करके अपने पेट को अंदर खींचे, उड्डयन मन जैसे लगाते हैं, और पेट को अंदर खींचने के बाद अपने हाथों से अपने पेट की मसाज करें। कैसे करें थोड़ा सा और आपको नीचे करके इसको दिखाते हैं। पेट की मसाज करना बहुत जरूरी है, खाली पेट ही हो पाएगी। खाना खाने के बाद ना तो कपाल भाति करना है, ना ही पेट की मसाज करनी। श्वास पूरा बाहर, फिर दूसरी बार फिर कपाल भाती कर लिया, फिर से पेट को अंदर खींचा, पेट के अंगों की थोड़ी थोड़ी मसाज की। अब इस वाले भाग से करेंगे, हाथों के इस भाग से, अभी तक इस भाग से कर रहे थे, अब इस भाग से करेंगे। कपाल भाति, भस्त्रिका और कपाल भाति का अभ्यास हमने किया। हमारे साथ शोभा मिश्रा जी, दीप्ति सारस्वत जी और बहुत सारे और भी दर्शक लाइव देख रहे हैं, कई लोगों ने कमेंट भी किया है, तो सबका ऐसा हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस योग के सत्र में। 101वां योग सत्र है ये, कल 100 सत्र हमारे पूरे हो गए, आप सबकी शुभकामनाओं से। भस्त्रिका, फिर एक बाह्य है, फिर एक अनुलोम अग्निसार है क्रिया, फिर उज्जायी क्रिया है। उज्जायी को भी कैसे करते हैं, श्वास पूरा भरते हैं, गले को टाइट करके खींचते हैं, प्रारंभ में आपको खांसी आए तो घबराना नहीं, सही खींच रहे हैं ये समझ लीजिएगा। थोड़ी देर रोकें और फिर 10 से 15 सेकंड रोकने के बाद राइट को बंद करके लेफ्ट से पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। कुछ लोगों को पहले दिन नहीं समझ में आता, ये थायराइड की प्रॉब्लम को, टॉन्सिलाइटिस को, फेरिंजाइटिस को, लेरिंजाइटिस को, स्नोरिंग को, हकलापन को, तुतलापन को, स्वर भेद को, स्वर भंग को, और भी कई समस्याओं को दूर कर देते, और किया है, हजारों लोगों ने किया, लाखों लोगों ने इन छोटे छोटे क्रियाओं से लाभ उठाया है।
तो ये उज्जायी क्रिया है, ये कुछ दिनों में करते करते समझ में आने लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। तो ये फिर अनुलोम विलोम क्रिया को करें, एक प्राणों की क्रिया है अनुलोम विलोम, राइट को बंद करें, लेफ्ट से पहले श्वास बाहर छोड़े, फिर इसी से भरे लेफ्ट से, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, देन विदाउट होल्डिंग एक्सहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल, inhale from right nostril, then without holding exhale from right left nostril, एक नासिका से भरें, दूसरे से बाहर छोड़ें, दूसरे से भरें, पहले से बाहर छोड़ें, और गहरा लंबा भरें, गहरा लंबा ही छोड़ें, फिर गहरा लंबा भरें, गहरा लंबा छोड़ें, ये प्राणायाम 5 से 10 मिनट जरूर किया करें। आपको बता दूं कितनी लंबी श्वास की हमारी क्षमता होनी चाहिए, एक बार देख लेते, इतना पास में आकर आपको बता रहा हूं और धीरे धीरे बता रहा हूं। राइट को मैंने बंद किया, पहले मैंने बंद किया, पूरे श्वास को लेफ्ट से मैंने बाहर छोड़ दिया और बाहर ही छोड़ा, छोड़ के रखा ऐसे। अब मैं भर रहा हूं, इतना गहरा भर लिया, अब मैं दूसरे से बाहर छोड़ रहा हूं, फिर इसी से गहरा भर रहा हूं, आपको अनुभव पता लग रहा होगा कि मैं भर रहा हूं, फिर इसको बंद करके दूसरे से बाहर, ये हाथ थक जाए ऐसे करो, गहरा लंबा श्वास भरेंगे और गहरा ही लंबा बाहर छोड़ेंगे। ये संकेत के रूप में आज थोड़ा सा बताया, लंबा करवाया नहीं है, और प्रसन्न रहना चाहिए। प्राणायाम आंखें बंद करके करें, प्राकृतिक स्थल पर करने का प्रयास करें, और कोशिश करें कि आपके ऊपर किसी की बुरी बातों का प्रभाव न पड़े, और वो मन इतना मजबूत हो जाए कि आपको कोई बहका ना सके, ज्ञान इतना विस्तृत हो जाए, ज्ञान इतना अधिक अच्छा पक्का मैच्योर परिपक्व हो जाए कि कोई आपको अज्ञान में, अंधविश्वासों में, पाखंडों में भरमा ना सके। तो ये थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट भी बनने के लिए ऋषियों के विचारों को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी व्यक्ति आपको अंधविश्वासों में धकेल सकता है, कोई भी व्यक्ति उल्टी पुल्टी बातों में अपने फंसा सकता है, और वो अज्ञान भी दुख का एक बड़ा कारण है, अज्ञान दुख का बड़ा कारण है, अविद्या दुख का बड़ा कारण है। इसीलिए वैदिक धर्म की ओर चलें, बढ़ें, वेद की ओर चलेंगे, योग की ओर चलेंगे, निश्चित रूप से हमारे सारे दुखों का नाश होगा। भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, श्वास पूरा भर के, नासिका से ओमकार की ध्वनि, ठीक है, तीन उंगलियां आंखों पर, एक उंगली ललाट पर, माथे पर, कपाल पर, और अंगूठों को कानों से बंद, कहीं जोर अगर लगाना है तो कानों में लगाना है, बाकी सब को केवल रखना है।
ठीक है, चलेंगे फिर से पूरा श्वास भर के नासिका से हमिंग करते हुए, नाक से हमिंग करते हुए आवाज निकालनी, 3 बार करना। और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में पहली उंगली अंगूठे को मिला कर रखें, घुटनों पर रखें, सीधे बैठें, आंखें बंद रखें, कोमलता से श्वास गहरा भर के फिर से श्वास भरें, गहरा भरें। ओ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे शारीरिक स्वास्थ्य को, मेरे मानसिक स्वास्थ्य को, मेरे बौद्धिक आत्मिक स्वास्थ्य को मैं शरीर से बलवान बनूं, मैं आत्मिक उन्नति करूं। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, ये मनुष्य का लक्ष्य, उद्देश्य, ये उसके कार्य होने चाहिए। पहले पहले वो शरीर से निश्चिंत हो जाए, शारीरिक उन्नति हो जाए उसकी, फिर दूसरा उसकी मानसिक आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, आत्मिक उन्नति, आत्मा की उन्नति हो जाए, भीतर से गंदी बातों को निकाल फेंके, आत्मिक उन्नति हो जाए, समस्त क्लेशों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करें, और फिर सामाजिक उन्नति, समाज में एक अच्छे सभ्य मनुष्य बन करके रहें, व्यवहार अच्छा रखें। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि मेरे सभी प्रकार के जो हमने अभी कहे, ये सभी प्रकार की उन्नतियां हों और मैं इस जीवन में सफल हो जाऊं, ईश्वर का भक्त हो जाऊं तो सफल हो जाऊंगा। कर्म योग करें पूरा, अपने कर्तव्य पथ से हटे नहीं, और हम कर्तव्य पथ से भी नहीं हटेंगे, और ईश्वर की उपासना भी करेंगे, शरीर को अच्छा रखते हुए करेंगे, संयम पूर्वक, सदाचार पूर्वक, दया करुणा प्रेम के भावों को लेकर के हम इस जीवन को जिएंगे। गहरे श्वास भरें, ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ हे प्रभु सभी सुखी हों, हे प्रभु सभी निरोगी हों, हे प्रभु सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें, व्यवहार करें, आचरण करें, वर्तें, हे प्रभु कोई भी दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। अपने हथेलियों को थोड़ा सा ऐसे घर्षण करके गर्म कर लेंगे, और गर्म गर्म हथेलियों को अपनी आंखों पर, अपने ललाट पर, अपने गालों पर, पूरे मुखमंडल पर चलाएं, और धीरे धीरे इनके भीतर से आंखें खोलेंगे तो भूमि पर देखते हुए आंखें खोलें। इस प्रकार से योग हमारा प्रतिदिन का हो जाए, जिसमें कुछ आसन हो जाए, हठ योग की कुछ क्रियाएं हो जाए, अष्टांग योग की विधि से वैदिक ध्यान हो जाए,
ईश्वर के निराकार ईश्वर की भक्ति उसी से होती है, उसी को वास्तविक ईश्वर भक्ति कहते हैं, जो ऋषियों ने हमें बताई है आर्ष ग्रंथों में, अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि जी ने बताई है वह। और मतलब हठ योग के आसनों से आप ठीक करें अपने आप को, शरीर को ठीक करें, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो हमें ध्यान लगाना है, समाधि लगाना है। तो समाधि लग जाए, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, विविध प्रकार के दुखों से हम दूर हो जाएंगे, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक सभी प्रकार के दुख हमारे दूर हो जाएंगे, जब हम परमात्मा का ध्यान लगा करके समाधि को प्राप्त हो जाएंगे, तो हमें सबको मुक्ति मिलेगी। और योग का यह उद्देश्य भी यही है कि समाधि का लगना और मोक्ष का प्राप्त होना। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर पूरा करते हैं, आप सबकी दर्शकों की उपस्थिति में, इतने सारे दर्शक हमारे साथ आज जुड़े रहे, चूंकि हमने कार्यक्रम को आज थोड़ा देर तक शुरू किया, देर से शुरू किया और देर तक चलाया भी है। तो सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं मैं, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सभी के घर में सुख शांति बनी रहे, क्योंकि हमारे शरीर में हमारे बुद्धि में सुख शांति होगी तो हमारे घर में भी सुख शांति होगी। अशांत व्यक्ति सब जगह अशांति और दुख फैलाता है, नकारात्मकता फैलाता है। तो आज के कार्यक्रम को इतना ही, ओम शम।